जहांगीर बख्शी, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर की तरफ से यहाँ हमने आज बैनुल अक़वामी जो कबायली दिन है आज यहाँ मनाया। इसमें हमारा ये जो प्रोग्राम है ये हमने वाइट ग्लोब जो निजी इदारा है तो उनके इश्तराक में हमने ये प्रोग्राम आज इनेकाद किया है। इस प्रोग्राम में हमने जितनी भी हमारी जो कबायली लोग हैं उनके तीन जो सरकार ने जो स्कीमें बनाई हैं उन स्कीमों के नस्बत जो लोगों में जानकारी होनी चाहिए, एक जानकारी कैंप यहाँ मुनक़द किया हरवन में। तो यहाँ जो आबादी है कबायली लोग तो उनके बीच आके हमने उनको ये अवेयरनेस की कि सरकार ने जितनी भी स्कीमें रखी हैं उनके लिए तो उनकी अवेयरनेस और ताकि वो अपने इन हकूक़ का की मांग करे सरकार से। जितने भी इदारे हैं जिनमें अगर हम सोशल वेलफेयर की स्कीम्स के बारे में बात करें, बच्चों के बारे में जो स्कीम्स हैं, बच्चों के बारे में जो स्कीम्स हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी जो स्कीम्स हैं तो इन बारे में हमने बात की। हमारे रिसोर्स पर्सनस थे और वाइट ग्लोब के जो भी हमारे रिसोर्स पर्सन थे उन्होंने इस बारे में बात की है। तो हमारा यही है कि ये जो हमारा समाज है, हमारा मुल्क है, सब मिल के साथ चले इसमें। तो इस मुहिम के तहत हमने आज इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कितना इनको सपोर्ट मिला? देखिए, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, हमारा जो काम है, जो मैंडेट है हमारा है, हमारा मैंडेट है लोगों के बीच में जाके जितनी भी सरकार की स्कीम्स हैं उनकी बात करना, उनको इन्फॉर्मेशन देना, उनको जानकारी देना कि आपके क्या हुकूक है। तो उस हुकूक को पाने के लिए अगर उनके गाहे बेगा उनको मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि किसी का जॉब कार्ड का मसला है, किसी का आधार कार्ड का मसला है, किसी का जैसे रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, लोगों को पता नहीं होता कि हमें जाना कहाँ होता है, किस अदारे के पास हमारी मुश्किलें हल हो सकती है। तो हमारा जो मैंडेट है हमें उनके पास जाके उनकी वो जो सारी स्कीम है, ये जो स्कीम बनाई है सरकार ने, उसकी उस स्कीम का फायदा उस तक पहुंचाने के लिए हम एक जरिया है, हम एक साधन है। हम उसके पास हमारे जो डेडिकेटेड जो पैनल लॉयर्स हैं, इसमें जो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, हम उसके पास जाके उसकी जो भी एप्लीकेशन है उस इदारे से पहले तो उसको जानकारी देते हैं कि आपको किस सरकारी इदारे के पास जाना है, किस डिपार्टमेंट में आपकी दरखास्त को इसको ले जाना है। वहां पे हम जाके फिर उसका फीडबैक हमारे जो डेडिकेटेड पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं वो उस दफ्तर में जाके फिर वहां से उसका फिर जल्दी से निपटारा करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम गुलाम उर्तज़ा है। मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के कंगन के इलाके से जो है मेरा ताल्लुक है। मैं एक एनजीओ कश्मीर लॉ सर्कल के साथ काम कर रहा हूं पिछले 2-4 साल से। और आज हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस एसोसिएशन श्रीनगर का कि जिन्होंने ये इवेंट जो है यहां पर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। इसमें ये लोग जो है ये हमारे अपने लोग हैं, हमारे कबायली लोग हैं। इनको हमने यहाँ पे ये बताया कि इन लोगों के हकूक क्या हैं, ये किस तरह से अपनी जो जिंदगी है उसको बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं, इनके क्या हकूक है, कौन सी स्कीम्स जो हैं या कानून में कौन सी चीजें हैं जो इनको दी गई हैं जिनके बारे में ये अनजान थे। उनके बारे में हमारे यहाँ जज साहब भी आए थे और बाकी भी जो लॉ की फैटर्निटी थी वो यहाँ पर आई थी और उन्होंने इनको अच्छे तरीके से इनको बताया कि आपके कौन से हकूक हैं, आपको किस तरह से इन हकूकों को हासिल करना है और किस तरह से आपके बच्चों के लिए पढ़ाई मुफ्त है, किस तरह से उनके लिए मिड डे मील स्कीम चल रही है। यहाँ पर तो आज अच्छी मीटिंग हो रही थी। जो आप हजरात आए हैं तो अच्छी मीटिंग करने आए थे और हमसे कुछ बात सुनने के लिए आप आए हैं यहाँ। और हमारे जो बात है हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए हम आते हैं रजौरी से, यहाँ ऐसे गवर्नमेंट की जगहों में बैठ जाते हैं हम, हमारे लिए कोई जगह नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ रजौरी में भी पढ़ते हैं, यहाँ में हम स्कूल में दाखिल कर देते हैं। फिर जब यहाँ स्कूल में दाखिल करते हैं तो यहाँ के स्कूल हमको दूर पड़ते हैं, यहाँ से हमको थीद भी जाना पड़ता है जिसको थीद हरवन किया जाता है। दूसरा मुल्फाक एरिया, वहाँ में हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं। आज तो जानकारी हमको अच्छी मिल रही है। आप लोग जो आए हैं हम ये अर्ज करते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छी सहूलत होनी चाहिए, हमारे के लिए रहने सहने का ठीक इंतजाम होना चाहिए।